बीटीसी याचिकाकर्ता शिवेंद्र प्रताप ने इस बीच में यह कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में सरकार से एक निवेदन भी की है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में फैसले की सुरक्षा की तैयारी करे। सुप्रीम कोर्ट में योग्य वकीलों की टीम तैयार रखे सरकार। अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में कैवियट याचिका दाखिल करेंगे। फैसले की सुरक्षा के लिए ये याचिका दाखिल की जाएगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा का पूरा मामला पहुंचेगा। क्या कहा जा रहा है आइए सुनते हैं। सुरक्षा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम कैवियट के माध्यम से दाखिल होंगे और वहां पर अपने इस आए हुए आदेश को जो हम लोगों के फेवर में आया है इसको डिफेंड करने के लिए जो यथासंभव कोशिश बन पाएगी वो हम सब करेंगे। लेकिन मेरी ये अपील सरकार से है और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से है कि डबल बेंच में जिस तरीके की उहापोह की स्थिति थी कि अंत तक वकील के फाइनल होने में और तमाम तरह तक सरकार ने मजबूती के साथ हमारा साथ दिया लेकिन हमारे और सरकार के बीच तालमेल की कमी रही। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से और सरकार से हमारी गुजारिश है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी कोई स्थिति ना आने पाए। पहले से सरकार पार्टी रहेगी तो सरकार ये तैयारी रखे कि बेहतरीन से बेहतरीन अधिवक्ताओं की फौज वहां पर खड़ी रहे जिससे योग्यता का शोषण अब यहां से बंद हो जाए और यहां से भर्ती गतिमान हो सके और बेसिक शिक्षा को बेहतरीन और योग्य शिक्षक जो 90-97 पर सफल अभ्यर्थी हैं वे प्राप्त हो सके। तो सरकार से और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से गुजारिश है कि कैवियट अगर उनको फाइल करानी है तो कैवियट की तैयारी करें। अगर कैवियट की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है तो अधिवक्ताओं को तैयार रखें जिससे अगर कोई आदेश को चुनौती देता है तो एक लंबा प्रोसेस इस बात के लिए ना लग पाए कि अधिवक्ता ही नहीं फाइनल हो पा रहे, कौन अधिवक्ता अपीयर होगा।